सो हेलो बच्चा लोग नमस्कार आदाब सत सतल एंड जो वेलकम टू टू द द द एंड दी वे लर्न चैनल एंड द प्लेस यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर एन एक्ट मोहब्बत विद फिजिक्स सो बच्चा पार्टी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार क्योंकि जैसे ही सैंपल पेपर रिलीज हुआ आप में से बहुत सारे बच्चों के लगातार मेल लगातार कमेंट्स, लगातार जहाँ पर भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ वहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं वहाँ पर लगातार आप सवाल पूछ रहे हैं कि एस एस पी बाबा एस एस पी भैया बहुत सारे नाम से आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है और हमें आप बताओ कि कैसे हम अपनी फिज़िक्स की तैयारी करें बिकॉज अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं हुआ है देख देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपके पास में अक्टूबर है नवंबर है दिसंबर है और जनवरी लेकिन जनवरी में प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फेब से चांसेस आप लोगों के चांसेस क्या हैं ही आप लोगों की सी की एग्ज़ाम है तो चार महीने में हम फिज़िक्स को किस तरीके से देखते हैं कैसे हमें पढ़ना चाहिए क्या हमारे अप्रोच होने चाहिए बच्चा मैं ये वीडियो दो तरीके के स्टूडेंट्स के ऊपर बात करूंगा आज आइए चलिए लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपका ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फिजिक्स के सारे कंटेंट है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा लोग हाल ही में प्रचंड बैच चल रहा है जो कि फ्री है स्पेशली नीट और बोर्ड्स के बच्चों के लिए आप उसे देख सकते हैं प्ले चेक कर सकते हैं एंड जरूर आप जो है इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा राइट तो हम आते हैं हमारे इस पॉइंट्स पर तो हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स सर लास्ट चार महीने में कैसे किया जाए बच्चा लोग दो तरीके के स्टूडेंट्स के ऊपर आज मैं बात करूँगा पहले तो वो कि सर बस जैसे भी करके ना सर जी पास करवा दीजिए क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगती है बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स इन लास्ट फोर डेज फिजिक्स इन लास्ट एक रात से पहले फिजिक्स को कैसे करें एक रात से पहले मैथ्स को कैसे करें केमिस्ट्री को कैसे करें बायोलॉजी को कैसे करें ट्रस्ट ट्रस्टी बच्चा पार्टी वैसे वीडियोज को देखने से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का टाइम निकलेगा लेकिन रिजल्ट बहुत चांसेस कम है कि अच्छा आएगा ये वीडियो एग्जाम के ठीक एक दो दिन पहले रहेगी तो फिर ये कोई काम की नहीं है लेकिन चार महीने पहले मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब आप इसे देख रहे हो तो एक्टिवेट मोड भी ऑन कर लेना अपना सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा अगर ये वीडियो को देखने के बाद जो भी पॉइंट्स बताए अगर आप उसको स्टार्ट करना सोच लिए हो कि नहीं सर अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना ही हमने सोच लिया है तो फिर ये काम की बात है काम की वीडियो है अदरवाइज फिर कोई काम की नहीं है ऐसे बहुत सारे तमाम लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर ऐसे आपको दिखाई देगा कि किस किस तरीके से पढ़ना है राइट सो सबसे पहले बच्चा लोग मैं आगे पढ़ूं उससे पहले ही आप लोगों से सवाल करूंगा और सवाल का आंसर कमेंट करके बता देना कि क्या आप अपने एसएसपी बाबा के इस बात से 100 परसेंट अग्री करते हो कि हाँ सर अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं है ना और अगर इस वीडियो के बाद स्टार्ट कर दोगे तो भी कमेंट कर देना कि यस बड़े भैया एस बाबा हम तैयार हैं हम करने के लिए तैयार हैं तो मैं बात करता हूं ठीक है तो सबसे पहले वो बच्चा लोग कुछ भी नहीं पढ़े सर बस पास करा दो और दूसरे वो मेरे लाल बाल गोपाल वो मेरे डायमंड स्टूडेंट्स हालांकि मेरे लिए सभी डायमंड स्टूडेंट्स हैं बट मैं दोनों के लिए बात करूंगा कि सर हमें मैक्सिमम स्कोर चाहिए 65 प्लस यानी कि पैंसठ से 70 के बीच में हमें मार्क्स लेकर के आना है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं थर्टी उसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं उससे कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं बताऊँगा लेकिन हमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आना है तो फिर बताइए कि क्या करना है तो पहले हम बात कर लेते हैं बाबा पास करा दो हमें सिर्फ पास होना है बच्चा लोग सिर्फ पास होने के लिए अगर पढ़ रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना आगे मैं कुछ भी बोलूं जो कि यहां पर लिखा हूं सोच समझ करके कि दिमाग में से ना सबसे पहले तो ये निकाल करके छोड़ भूल जाओ ये यही चीज दिमाग से निकाल करके फेंक दो कि हमें सिर्फ पास होना मैं सच बताऊं ईमानदारी से बताऊं तो अभी भी आपके पास उतना मौका है कि आप उन बच्चों को फोकस कर सकते हो उन बच्चों के ऊपर भोकाल मचा सकते हो उन बच्चों के लेवल में आ सकते हो जो कि बढ़िया मार्क्स लेकर के आने वाले अभी भी वक्त है बस उस वक्त की कदर आपको करनी है उस वक्त को समझना पड़ेगा कि यार मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ है पूरा अक्टूबर है पूरा नवंबर है पूरा दिसंबर है क्या इन तीन महीने में और जनवरी के बीच में रिविजन करके हम बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं तो आपका ये बड़ा भाई बोलेगा यस बच्चा ला सकते हो सिर्फ तेईस मार्क्स के ऊपर मत सोचना ये जो मैं बताऊंगा अगर इतना भी आप कर लोगे आराम से आप पैंतीस से छालीस मार्क्स लेकर के आ जाओगे लेकिन सिर्फ तेईस मार्क्स के लिए स्पेशली अगर आप सोचोगे कि सर सिर्फ पास कराने के लिए बता दीजिए तो बाद में आप उसी टीचर को गरियाइएगा जिससे आप सुने कि पेपर अगर ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो टीचर ही बुरा है टीचर कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता लेकिन टीचर हालात के हिसाब से बुरा बन जाता है ठीक है तो पहली बात क्लियर है अगर आप इस चैनल के विद्यार्थी हो बच्चा लोग अगर आप ट्रू एस एसपीएन हो और आप सारे लेक्चर्स को फॉलो करते हो ना ट्रस्ट में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको फिजिक्स में फेल कर दे आप बेहतरीन मार्क्स के लिए ही बने हो आपके मार्क्स हंड्रेड परसेंट आएंगे बस दिल से लेक्चर्स को फॉलो किया करिए और जो मैं चीजें बताता हूं उसको फोकस किया करिए कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको अच्छे मार्क्स आने से तो पहली चीज दिमाग से फेंक दो कि सर हमें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि जो बताऊंगा वो भी आपको करना है लेकिन अगर दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बहुत ज़्यादा आपके आप अंदर है ना वो चलने लग जाता है कि सर फियर चल रहा है नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो मैं बोल रहा हूँ बच्चा इतनी सी चीज़ है यार इतनी सारी चीज़ नहीं बस इतनी सी चीज़ है अगर आप इतना भी कर ले गए तो आराम से अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं आराम से बेहतरीन मार्क्स लेकर के आएंगे अब वो पॉइंट्स कौन से हैं मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ उसको ध्यान से समझना और अपनी नोटबुक में लिखते चले जाना ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट है कि सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने अगर आपने पूरे साल 2022 में स्टार्टिंग से स्कूल के टीचर्स का समझ में नहीं आया आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस रैंडमली देखी लास्ट लास्ट में आपको हम मिले ठीक है हम मिल गए तो सब सही हो गया मस्ती कर रहा हूँ आपके ऊपर होता है बच्चा जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं जिससे भी आपको मज़ा आता है पढ़ने में वो टीचर से आप पढ़िए बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए मैं नहीं कहूँगा सिर्फ मुझे से पढ़ना है आप लोगों को जहाँ अच्छा लगता है ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लपेटो तो मैं हमेशा कहता हूँ तो सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं कुछ ऐसे स्पेशल चैप्टर्स मैं आपको बताता हूँ जिसको अगर आपने कर लिया तो आराम से पास हो जाओ आराम से इजिली पास हो जाओ उसमें से वो चैप्टर कौन से हैं एटम है न्यूक्लियाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है डी है मैं क्यों इन चैप्टर्स को टारगेट करता हूँ हर हमेशा क्योंकि बच्चा ये वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन फिक्स होता है जैसे एटम के अंदर बताऊँ तो बोहर मॉडल का का के हाइपोथेसिस लिखने को आ ही जाता है एक कैलकुलेशन आ जाता है बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आ जाता है रेडियस के ऊपर होता है या वेलोसिटी के ऊपर होता है एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो फिक्स होता है या रुधर फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत फिक्स चीज़ें हैं वहीं न्यूक्लियर में आधा ज़्यादा तो आपके सिलेबस में ही जा चुका है है ना तो यहाँ से क्या आता है पता है यहाँ से आप लोगों को स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है कि आ, न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर की कहानी जिसमें आइसोटोप्स है आइसोटोन है आइसोमर है उसको वेरीफाई करने वाला या क्वेश्चन या फिर रेडियस आर इज एक टू आर नोट ए की पावर वन अपॉन्ट थ्री से क्वेश्चन आ जाता है तो दीज आर द काइंड ऑफ चैप्टर्स जो जहाज से फिक्स क्वेश्चन आते हैं बने रहिएगा है इस प्लेटफॉर्म पर क्योंकि धीरे धीरे एक बहुत बड़ा भोकाल वाला सीरीज़ स्पेशली फॉर बोर्ड अभी तो प्रचंड बैच चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कम हो गया है बहुत लोग को नहीं पता कि मैं लाइव आता हूँ अभी बट बहुत जल्द आप लोगों का द मोस्ट द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ द एंटायर ब्रह्मांड दैट इज चाणक्य नीति बहुत जल्द आएगा स्पेशली फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स विद द नई नई टीम ठीक है बाबा एस एस पीज पर रहेंगे पढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ एक बहुत प्यारी सी टीम मैं खोज रहा हूँ जो आपको पढ़ाए फिर साथ में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव क्वेश्चन फिक्स रहते हैं यहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चा लोग वो नाइन प्रॉपर्टीज होती है अगर आप उसको पढ़ लीजिएगा तो फिर आप आराम से उसी में से आप देखिए हर साल क्वेश्चन आ जाता है फिर ड्यूल नेचर ऑफ ट्रेडिशन इन मैटर से ही है ना तो कुल मिला कर के तीन तीन छः तीन नौ फिर ये चार या पाँच मार्क्स का यहाँ से हो गया और ये आप लोगों का लगभग दस मार्क्स का ऐसे ही पता चल गया इसके साथ एक ऐसे ही मार्क्स आपके आ गए इन सब के अलावा मैं जो पढ़ाऊँगा सेमीकंडक्टर के अंदर या मेरी पुरानी लेक्चर्स को अगर आप देख लोगे तो आपके सात से आठ मार्क्स बच्चा लोग आसानी से आ जाएंगे कोई भी माई लाल आपको मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगा पूरे मार्केट में भौकाल रहता है सेमीकंडक्टर चैप्टर सबसे टफ़ रहता है लेकिन आज भी बच्चा लोग इतिहास गवाह है कि सेमीकंडक्टर से प्यार कराने वाला एक लौता बाबा एसएसपी ही है तो ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर होता है मैं बहुत बार पढ़ाता हूँ और जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को बहुत मज़ा आता है तो एक सेमी भी ले लीजिए ये अकेले ही सात मार्क्स का है सात सात चौदह हो गया और इसी को पूरा मिला लो तो आपके आराम से पच्चीस से तीस मार्क्स के बीच में रेंज आराम से आ सकता है अगर आप इतने ही चैप्टर्स को फॉलो कर लिए बच्चा लोग तो तो सिर्फ पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत आसान सी बात है पता नहीं स्टूडेंट्स पता है क्या होता है बच्चों जो है डर जाता है और बच्चों जब डर जाता है तो उसको लगता है सर जी खाली पास ही करा दीजिए ना हमको तो पहले दिमाग से निकाल करके फेंको कि हमको सिर्फ पास होना है है ना हमको बेहतर करना है अरे अपने पास टाइम है यार अपने पास पूरा का पूरा अक्टूबर है ससुरा पूरा का पूरा नवंबर है आए पूरा का पूरा दिसंबर है तीन महीना है बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत बेहतर कर जाएंगे और हम हैं ना आपके बड़े भाई क्यों चिंता करते हो लेकिन दिमाग से ही निकाल करके फेंको कि सिर्फ पास होना है बेहतर करना है और इतना इनफ टाइम है कि हम कर सकते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप आज से इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करोगे कैसे पढ़ोगे कौन पढ़ाएगा है ये प्लेटफॉर्म एस एस पी प्लेटफॉर्म पर जाओ एटम सर्च करो 2018 की रिकॉर्डिंग सेशन देखिए क्योंकि उसमें आपका टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता चला जाएगा चाणक्य नीति जो सीरीज है इसी प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में है उसको देखिए कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा तो शुरुआत पर सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं कॉन्फिडेंस जगाने के लिए ये कर रहे हैं चैप्टर्स इसके साथ बच्चा लोग आप लोगों को एम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार आप लोगों के अच्छे खासे एम सी क्यूज हैं कुल मिला करके अट्ठारह एम सी क्यूज हैं तो एम सी क्यू प्रैक्टिस के लिए आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी थोड़ा सा अगर वक्त आप हमको दीजिएगा तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ऑलमोस्ट अक्टूबर के एंड में मैं अपनी ही एक बढ़िया सी प्यारी सी सस्ती सुंदर टिकाऊ बहुत ही प्यारी सी मेहनत कर रहा हूँ बच्चा लोग, लास्ट ईयर भी किया था इस बार भी मैं आप लोगों को अपनी एक बुक लॉन्च करके दे दूंगा आप उससे पढ़ लीजिएगा आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ लीजिएगा अगर आपको एस सर से मजा आएगा तो एस सर की बुक से कर लीजिएगा थोड़ा वक्त हमको लग जाएगा इसीलिए तब तक आप मार्केट से डेढ़ सौ दो सौ रुपये की बहुत सारी किताबें मिल जाती है एम प्रैक्टिस के लिए वो करते रहिए या तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो मैं वहाँ पर भी ना बहुत सारे एम सी क्यू उसकी प्रैक्टिस के लिए शीट देता हूँ बच्चा लोग और उस पर से हर बार क्वेश्चन आते हैं इवन नीट में भी आते हैं तो जब नीट में आ जाते हैं तो बोर्ड में तो हंड्रेड परसेंट आएंगे तो आप वो भी कर सकते हो इसलिए टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा तो एम सी क्यू प्रैक्टिस करना है साथ ही साथ बच्चा लोग पी वाई क्यूज आपको कंपल्सरी करने हैं अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो पास होने के साथ साथ बेहतर बेहतर मार्क्स से पास होना चाहते हैं सर जी हम तो पैंसठ मार्क्स ला के पास होना चाहते हैं और सेवेंटी मार्क्स तो कम से कम बच्चा लोग आप लोग लास्ट पाँच साल के जो है पी वाई क्यूज़ करिए लास्ट फाइव के क्वेश्चन आप करो और अगर आप इस चैनल के विद्यार्थी हो तो बेहतरीन बात है विजिट करोगे तो मैंने ना दस से लेकर के दो हजार सत्रह अठारह के सारे सीबीएसई पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराया हुआ है इसी चैनल पर है आप सर्च करना खाली के सीबीएसई दो हजार बारह बाई एस एस सर वीडियोस मिल जाएंगे तो वो पीवा करोगे पीवा से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है फिर अगर हम बात करें मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल कि वीडियो लेक्चर्स कौन से देखने चाहिए सर कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें कौन पढ़ाएगा तो बच्चा लोग चाणक्य नीति की वीडियोस आप देखो डेली कम से कम तीन घंटा आज से स्टार्ट करना शुरू कर दो चाहे कुछ भी हो जाए आंधी आए तूफान आए ससुर आप कुछ भी हो जाए हमें छोड़ना नहीं हमें पढ़ना है तो ये रही बात बच्चा लोग कि सर जी हमको सिर्फ पास करा दीजिए सिर्फ पास नहीं कराएंगे बाबा सर जी बेहतरीन मार्क्स लाएंगे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर ले गए अगर ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है तो कोई रोक नहीं पाएगा लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर मार खाएगा ठीक है चलो अब बात करते हैं हैं वो वो बच्चे वो विद्यार्थी जो अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि सबसे पहले हम अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करके भौकाल मचाना चाहते हैं सर पैंसठ से सत्तर मार्क्स लाना चाहते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहली बात तो आप लोग हकदार हो तालियों का कि आप लोग

तो आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ये बात से बहुत सारे बच्चे अग्री कर जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस है कि अच्छा ये पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का आ सकता है लेकिन जब बात थियरी लिखने की आती है बात जब डेरिवेशन की आती है तब आप लोग गच्चा खा जाते हैं क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते हर एक क्वेश्चन रिलेटेड फॉर्मूला याद हो गया बट उस फॉर्मूला के पीछे की असली कहानी शायद बहुत सारे बच्चे तो तैयार होते हैं भगवान ना करे कि सारे बच्चे भूल जाते हैं डेरिवेशन पर बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इसलिए समय रहते पहले इसलिए मैं कह रहा हूँ मिनिमम मिनिमम एक से डेढ़ महीना मान के चलो कि आप लोगों को अपना पूरा फोकस देना चाहिए पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड पर कि बोर्ड के सिलेबस पे क्योंकि अभी सैम्पल पेपर निकल गया है एंड आपको पता होना चाहिए कि क्या डिलीटेड है हमें किस तरीके से पढ़ना है ठीक है वो सब कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा तो कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं बच्चा लोग और अगर आप इस पर फोकस कर गए तो आराम से पैंसठ से सत्तर मार्क्स ला दीजिएगा ससुरा कोई माइकल माइकला नहीं जो आपको रोक दे सो वट आर दोज पॉइंट्स सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चा लोग आप लोगों को एन पूरी आइसक्रीम की तरह चट कर जानी है फेवरेट वाली आइसक्रीम या तो आपका ये फेवरेट सॉन्ग होना चाहिए अरे कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आप लोगों का कमेंट कर देना ठीक है तो जैसे Uh, कोई भी खूबसूरत सी चीज़ होती है जो आप लोगों को खुश कर देती है खूबसूरत सी चीज़ खुश कर देती है हमारा बच्चा पार्टी को छोड़ ही समझ जाएगा मतलब ऐसी चीज़ जो करने में आपको मजा आता है तो वैसे ही समझिए कि एन मेरे को पूरा करना है एडिशनल एक्सरसाइज बोर्ड्स में नहीं आता है अगर आप उसको छोड़ते हैं तो ठीक है बट एग्ज़ाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं एन सी फुल करने का मतलब ये नहीं है कि लाइन बाई लाइन चाटना है उसको आपको ये करना है कि हर एक टॉपिक सब टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए पता होना चाहिए कि डिलेटेड कौन सा है और पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है राइट right? वो धीरे धीरे मैं आपको बताते भी चला जाऊंगा लेकिन अभी समय है कि कैसे मार्क्स ला सकते हैं फिर ये बच्चा लोग आप लोगों को तो हंड्रेड परसेंट लास्ट टेन ईयर्स के पी वाई कर लेने चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखा गया है कि सीबीएसई हर बार पूछती है कई बार तो न्यूमेरिकल भी पूछ लेती है हाँ डिजिट चेंज होता है बट सवाल वो पूछ ही लेता है उसके बाद आपको कम से कम दस सैंपल पेपर आपको करने चाहिए मार्केट में कोई भी सैंपल पेपर आप ले सकते हैं लोग बहुत सारे मार्केट में सैंपल पेपर अवेलेबल होते हैं बट मैं भी कुछ समय के बाद जो है सैंपल पेपर आपको अपने तरफ से प्रोवाइड करूंगा आप उससे भी कर सकते हैं मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि 10 सैंपल पेपर में अगर कह दिया तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 ओनली 10 सैंपल पेपर्स करने हैं आपके ऊपर आप 30 सैंपल पेपर कर लीजिए उतना बेहतर है जितना ज़्यादा आप सैंपल पेपर करेंगे उतना बेहतर आपके माइंड के लिए होगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बात बन जाएगी ठीक है इसके साथ साथ नीट और जेई मेंस वाले बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि दिसंबर मिड दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के लिए आप थोड़ा टारगेट रखिएगा अपने बोर्ड्स के लिए रीज़न है कि नीट वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छा खासा बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद टाइम मिल जाता है लेकिन जो जेई वाले रहते हैं उनके पास भी अच्छा खासा टाइम होता है ऐसा नहीं कि टाइम नहीं होता है बट फिर भी अगर आप तीस से पैंतीस दिन हर बच्चों का अलग अलग होता है तो मैं एक एवरेज समय बता रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए पंद्रह से बीस दिन में काम बन जाता है कुछ बच्चों के लिए थोड़ा वक्त लगता है इसलिए ऑन एन एवरेज तीस से पैंतीस दिन का टारगेट आपको अपने इस पर रखना चाहिए कि हमें अभी बोर्ड्स के डेरिवेशन, बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट बायो के ये फंडे ये सब याद करने हैं केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह याद करने बिकॉज लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे पेपर पैटर्न आपने देखा चार मार्क्स के भी सवाल हैं पाँच मार्क्स का भी सवाल है केस स्टडी भी है है ना हर तरह के क्वेश्चन है तीन मार्क्स के भी हैं तो आपको उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा वीकली रिविज़न करना चाहिए बच्चा पार्टी अगर आप पैंसठ से सत्तर मार्क्स वाले विद्यार्थी हो सोच रहे हो तो वीकली यू मस्ट रिवाइज आपने जो भी किया है उसको एनालाइज़ करिए कि कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं कौन से न्यूमेरिकल में आप फंस रहे हो कौन से टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं उसको वापस देखिए थीरी को लिख लिख करके पढ़ने की आदत डालिए एक बार अभी दो तीन दिन पहले की बात है मैं एक वीडियो में था वीडियो को देख रहा था अपना ही वीडियो देख रहा था तो उससे कमेंट्स को पढ़ रहा था अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ बच्चा लोग तो इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि आप सभी वीडियोस को जो देखते चाहे हो चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग वीडियोस हो तो उसके कमेंट्स को कमेंट्स जरूर करा करिए क्योंकि वो कॉमेंट्स टीचर्स जरूर पढ़ते हैं खास करके मैं तो जरूर पढ़ता हूँ तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा देख बच्चा पढ़ना है तो सब कुछ तो ऑलरेडी चैनल पर पढ़ा हुआ है राइट लेकिन अगर प्रचंड बैच की बात करो तो स्पेशली नीट के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है बट बोर्ड्स बहुत बार हो चुका है मैं ख़त्म कर दूंगा बहुत सारे वीडियोस आपको वन शॉट में भी मिल जाएंगे मैं चाहूँ तो तीस दिन में उड़ा दूँ आपका पूरा सिलेबस प्रचंड बैच जो मैं पढ़ा रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सिस्टम से पढ़े है ना आराम से उसको अच्छे तरीके से पढ़े ताकि बाद में जो भी बच्चा देखे तो उसको भी हर चीज़ समझ में आए तो सिलेबस की चिंता आप छोड़ दीजिए आप पढ़ाई पर फोकस करिए आप ये देखिए कि यार इस चैनल पर अगर हजार वीडियोज़ हैं इस बंदे ने चार साल में इतनी मेहनत की है अकेले तो कुछ तो होगा तो उसको देखो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा राइट फास्ट रिवीजन के लिए आप मेरी पुरानी चाणक्य नीति की वीडियोस को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चा लोग क्योंकि उसके अंदर वन शॉट वीडियोस हैं और एक बार तो 2019 के अंदर मैंने 42 सेशंस को रिकॉर्ड करके डाला था और वो सबसे ज़्यादा द मोस्ट वॉस्ट सीरीज़ है चाणक्य नीति प्लेटफॉर्म पर है ना तो आप इसको देख सकते हैं इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिविज़न भी बहुत फास्ट हो जाएगा आप एक काम और करिए बच्चा लोग अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं आप लोग बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो सारे डेरिवेशन फिजिक्स की इसकी भी वीडियोस पड़ी है अगर आप लिक क्लिक करके प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी बच्चे पैंसठ से सत्तर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सब लोगों को पता ही है अगर नहीं पता है तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको एक टाइम टेबल फिक्स बना लेना है कि यार मुझे दो घंटे फिजिक्स को देना है तो बस देना है है ना केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही करना है मैथ्स के लिए भी ऐसा ही करना है और सेम आप लोगों को बायोलॉजी के लिए भी करना है राइट तो इस वीडियो के अंदर बच्चा लोग मैंने जितनी भी बातें बताई है वो सब अगर आप फॉलो कर गए तो कोई भी माईका लाल आपको रोक नहीं पाएगा लेकिन अगर फॉलो अभी क्या होता है कि आपने ये वीडियो देखा उसके बाद फिर आपने देखो यूट्यूब की बहुत सारे अच्छी बातें हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं ये आपको देखना है बच्चा दैट इज योर चॉइस ये आपके हाथ में होता है कोई आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता कोई आपके मन को पढ़ नहीं सकता हाँ आपका बड़ा भाई समझ जाता है कि कब किसकी क्या जरूरत है लेकिन आप एक्चुअल में क्या करते हो वो आपके हाथ में है है ना अगर आपने भरोसा कर लिया कि यार मुझे एस सर से पढ़ना है तो फिर बस एस सर की बातों को अच्छे से फॉलो करिए एक्स वाले सर वाई वाले सर जेड वाले सर ये टीचर्स हमने पढ़ा कभी आपने इससे देखा कभी आपने उससे देखा तो सबके ओपिनियंस अलग होता है सारे टीचर्स बहुत बेहतर होते हैं सब आपका भला चाहते है बट क्या होता है कि आप जब दस चीजें सुनते हो तब आप ही कंफ्यूज आते हो कि ससुरा किसका सुने क्या करे है ना तो वो चीजों से बचना है आप लोगों को राइट तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी बताया उसको करना स्टार्ट कर दो बच्चा लोग कमेंट्स भर भर करके करना बिकॉज बहुत जल्द आपकी बोर्ड्स के लिए एक अलग सीरीज प्रचंड बैच से अलग सीरीज निकाल दूंगा चाणक नीति का नया वर्जन प्रचंड बैच को हम एज इट इज रखेंगे हमारे नीट वाले प्यारे बच्चों के लिए तो उम्मीद करता हूँ बच्चों लोग दैट यू पीपल हैव लव दिस वीडियो अपना प्यार जरूर दीजिएगा बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट सेशन टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल यू टेक केयर ऑल जय हिंद बाय